हेलो फ्रेंड्स, सैनो बुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के छोले, जिसके लिए मटर हम पहले से भिगो के रख लिए हैं। अब हम इसको उबालेंगे। मटर को उबालने के लिए मटर को हम एक कुकर में रखेंगे, दालचीनी को ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें एक कप पानी डालेंगे और थोड़ा नमक डालकर इसे 2 या 3 सीटी लगा लेंगे। नमक सीटी लगने तक वेट करेंगे। अब हम प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्चा को बारीक बारीक काट लेते हैं। हमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन को बारीक कट करके रख लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसको गैस पे रखेंगे। तो इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें ये जीरा और मेथी डाल देंगे, साथ ही तेज पत्ता भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, हरी प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर गुलाबी हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। नमक भी ऐड कर देंगे। साथ में छोले मसाले भी ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इसको 5 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया है, अभी इसको देखते हैं। इसी भी तरीके से हो गया है क्योंकि तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें उबाला हुआ छोला ऐड करेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे फिर से। छोला बनकर रेडी है। अब गैस बंद कर देते हैं और 5 मिनट बाद इसको सर्व कर देते हैं। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।